रिया बहू, ओ रिया बहू, कहाँ गए दोनों? कहिए बहू बेटा, वो दवाई दो ना मेरी। राहुल, क्या बात है? मैं तंग आ गई हूँ यार। किस चीज से? पापा से तुम्हारे। जब देखो तब मुझसे बोलते रहते, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? पापा प्लीज, अब तो आप समझा कीजिए, क्यों आप प्रिया को परेशान करते रहते हो? बेटे मैं बीमार हूँ, दवाई दो ना मेरी। बेटा मैंने तो अपने से दवाई ही मंगवाई है। क्या हुआ? सासू माँ, आप ससुर जी को समझाइए ना, हम दोनों घूमने जा रहे थे और तंग कर रहे हैं हम लोगों को। क्यों ऐसा करते हो? बहू और बेटे को तो चैन की सांस लेने दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दवाई मंगवाई है। अपने हाथ से ले लेते, खाते हो उतना काम तो किया करो। हाँ पापा, रिया को बोलने की क्या जरूरत थी, आप खुद खड़े होके ले सकते थे। देखो बहू को मैंने बेटी का दर्जा दिया है, तो तुम इतना मेरा काम नहीं कर सकती। बीजू तुम्हें कुछ बताओ ना। वैसे मुझे तो बहू और बेटे का ही साथ देना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, बेटा बहू तुम जाना चाहते हो ना? सारी गलती आपकी है। क्यों? जो भी काम था मुझे बताना चाहिए था ना। बेटे को और बहू को क्यों परेशान करते रहते हो? ठीक है रुको, मैं दवाई लाके आती हूँ। राहुल तुम्हारा तो घर पूरा के पूरा कबाड़ है कबाड़। प्लीज डार्लिंग ऐसा मत बोलो। क्या देखो वहाँ कचरा कचरा कचरा। जैसे कि तुम्हारा मामा अब तुम्हें तंग नहीं करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये देखो, पिताजी के नाम पे 10 लाख का बीमा है। यानी कि अगर हम बाबूजी को मार डाले तो तो ये सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। ये हुई ना बात, मैं कल ही बाजार से जहर लेकर आती हूँ, बाबूजी की दवाई में मिला के खिला देंगे। ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है ठीक है, चलो काम खत्म करो। हाय राम, क्या जमाना आ गया है। बहू तो पराई है लेकिन बेटा तो हमारा है ना, वो भी अपने बाप को जहर देने की बात करता है। हाय हाय वैसे बात इतनी बुरी भी तो नहीं है, क्योंकि ये तो बूढ़ा हो गया है, ना काम का ना काज का, दुश्मन अलग का, पूरे दिन खटिया में पड़ा रहता है और चिक 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 करता रहता है, परेशान करता है। बाहर में गया बूढ़ा, वो मर जाएगा तो ये 10 लाख रुपए है वो तो मेरे ही हो जाएंगे ना, क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ। फिर ये 10 लाख की मालकिन मैं बन जाऊंगी और बहू को उंगली पे नचाऊंगी उंगली पे। अब जाहिर तुम क्या, जाहिर तो मैं खुद ही दे दूंगी। साले बुड्ढे, अब तो उल्टी गिनती शुरू कर दे, अब तो तू गया। बाबूजी, ये दवाई। क्या बात है, आज सूरत किस ओर निकला है, मुझे दवाई दे रही हो और इतनी प्यार से। पापा आपकी प्रॉब्लम क्या है? ये आपको दवाई दे तो प्रॉब्लम, दवाई ना दे तो प्रॉब्लम। ठीक है आज का दिन तो बहुत बढ़िया रहा। कुछ हो रहा है बेटा मुझे। सुने आप, सुने क्या हुआ, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। माँ जी चलो हम इनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। चलो 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 हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो
मम्मी। हाँ बेटा। ये देखो पापा के इंश्योरेंस के पेपर है ये। हाँ हाँ। लेकिन बेटा मुझे क्यों दिखा रहा है? मम्मी इसमें आपके दस्तखत चाहिए। लेकिन एक बार आप पढ़ तो लो। बेटा तू मेरा बेटा है और मुझे तुझ पे भरोसा है, ठीक है? कहाँ करना है? हो गया और बस हो गया ना, ठीक है ना? अब ये मकान रिया के नाम का हो जाएगा। अब बहुत जल्द ये मकान, जमीन, रुपए, पैसे सब मेरे नाम हो जाएंगे। फिर मैं राज करूंगी बेटे, राज करूंगी। मम्मी पापा के जाने के बाद जो इंश्योरेंस के 10 लाख रुपए आए हैं उसका क्या करना है? करना क्या है, 8 लाख रुपए एफडी में डाल दो, 2 लाख रुपए घर में ले लो। अरे महू घर में 2 लाख रुपए रख के क्या करोगी? इस्तेमाल करने के लिए और क्या। अरे ऐसे कैसे 2 लाख रुपए इस्तेमाल करोगे? अरे आप इस मामले में चुप रहे ना तो ही अच्छा। बहू मैं क्यों चुप रहूंगी, ये घर है ना मेरे नाम है और यहाँ तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। ये घर आपके नाम पर था, मतलब अब ये घर मेरे नाम पर है, आपके बेटे ने ये घर मेरे नाम पे करवा दिया है। याद कीजिए सासू माँ, उस दिन आपने वो पेपर पे दस्तखत किए थे। समझी बुढ़ी अम्मा, इसीलिए राहुल ने कहा था कि एक बार कागजात देख लो। राहुल बेटे ये सब क्या है? मम्मी मैं मजबूर हूँ। सासू माँ इस घर में रहना है ना, तो जो हुक्म मेरी ही चलेगी। अब ये रोना धोना बंद करो और काम करो अपना। चलो बेटे अब नाले कपड़े तो मैं ही धोऊंगी ना, झूठे बर्तन तो मैं ही मांजूंगी ना, कर्म फट गए मेरे। घर में रहना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। हालत बिगड़ गई है मेरी। अरे ओ मैडम ठीक से काम तो किया करो। अरे बहू थोड़ा बहुत तो रहम कर मुझ पे। और कितना रहम करूं, घर में रखा है वो रहम क्या कम है? अरे कुछ तो शर्म कर, कुछ शर्म कर। शर्म कर, अगर शर्म होती है तो मैं तुझसे ये सब। मैं तेरी सास हूँ, इतना तो ख्याल रखा कर। आने दे मेरे बेटे को, जितना जुल्म करती है ना एक एक जुल्म है ना उसको बता दूंगी कि तू मेरे साथ क्या करके। फिर तो देख क्या कर लेगा तेरा बेटा, क्या कर लेगा वो तो आते ही बताएगा। अरे वो तो खुद मेरे पल्लू से बंदा है, क्या कर लेगा वो। हाय रिया डार्लिंग। क्या हुआ? देखो ना तुम्हारी माँ मुझे कितना परेशान करती है, मैं पूरा दिन काम करती हूँ फिर भी वो मुझे तंग किया करती है। मम्मी क्या है ये सब कुछ? ये तो तू भी जानता है ये सब क्या है, मेरी हालत देख के तुझे पता नहीं चलता कि कौन काम कर रहा है कौन आराम कर रहा है। मम्मी ज्यादा बात मत करो, रिया तुम क्या चाहती हो वो बोलो। मुझे ये कचरा घर में नहीं चाहिए। कर्मी कहे कि मुझे घर से निकालेगी, ये मेरा बेटा है। बेटा तू इतना ना समझ ले कि अपनी माँ की बातें ना माने, और बेटा अपनी इस बूढ़ी माँ के बारे में तो सोच। मम्मी इस घर में सिर्फ रिया का राज चलता है और इसकी वजह से तो हम लखपति हुए हैं। अब प्लीज रिया ने बोला है ना तो आप घर से निकल जाओ। अब तेरा बाप होता ना तो ये दिन देख लेना पड़ते, मुझे ये दिन देख लेना पड़ते, मैं घर से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे पिताजी जिंदा होते ना तो उन्हें भी हम आपकी तरह ऐसे ही धक्के मार के बाहर निकालते। मैं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरे पति का घर है, इस घर में मेरी डोली आई थी और आखिरी ही जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी निकलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, मुझे घर में रहने दो। चलो रिया।
भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? भगवान, जिस बेटे को मैंने जन्म दिया उसी ने मुझे निकाल दिया। इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी? हे भगवान, मुझे किस जन्म की सजा मिल रही है? भगवान, मुझे किस जन्म की सजा मिल रही है? आज मुझे जवाब चाहिए, तो मुझे जवाब दे, क्या जवाब दे, मुझे जवाब दे, मुझे जवाब दे। तेरे कर्मों का फल है ये बिछुड़ी। आप यहाँ कैसे? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? ये हकीकत है बिछुड़ी। याद कर, जब राहुल और रिया ने मुझ पर जुल्म उठाए तब भी तुम चुप थी। मुझे मारने की साजिश रची तब भी तुम चुप थी। मुझे मार डाला तब भी तूने तमाशा देखा। तेरी चुप्पी ने ही तुझे शैतान बना दिया। ये सब तेरे उस दुष्कर्म का नतीजा है। सच बात है राहुल के पापा, आपकी जो जैसा होता है वो वैसा ही पाता है। लेकिन मैं अपने इस बुरे कर्मों के बोझ से मुक्त होना चाहती हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? ये जिलत भरी जिंदगी जीना ही तेरा नसीब है। नहीं नहीं राहुल के पापा, ऐसा मत करो। राहुल के पापा कहाँ गए? कहाँ गए? मुझे पूरी बात तो बताते जाते, क्या करूँ? सुन लो दुनिया वालों, यही कुदरत के घर का न्याय है कि जो जैसा होता है वो वैसा पाता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी ही उसकी बदली, वैसी ही उसकी बदली। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेंद्र पंचाल, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे जी श्री चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया सामानी। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारी ये जी सीरीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सालानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे जी सीरीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ धनसुख भंडारी उर्फी। जो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो हमारी इस जी सीरीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।